हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अमेजिंग और नॉट? अरे कुछ कमेंट्स में बता सकते हो, एक्साइटेड हो या एकदम मरे हुए हो या सो रहे हो? कोई जिंदा है क्या? कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। ये कैसा ओपनिंग सेशन था? चलिए कोई बात नहीं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं बैक बॉन्ड और आज हम पढ़ने वाले हैं बनाना बॉन्ड। तो बेटा बैक बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग में हम आज महारत हासिल करने वाले, आप कह सकते हैं ऐसे। आज हम उसके मास्टर बनने वाले हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा आपको पढ़ाऊं, मैं इतना अच्छा आपको पढ़ाऊं, मैं आपको पूरा फुल कंटेंट दूं, मैं आपको ऐसा कंटेंट दूं जिससे नीट आपका क्रैक हो जाए, जिससे आप रैंक लेके आओ, जैसा कि मेरे पहले के बच्चे लेके आते रहे, आप भी लेके आओगे। तो उसके लिए बेटा आपको ना शोर मचाना होता है गली गली में। बेटा पता हो जाना चाहिए, वीटी सर की क्लास स्टार्ट होगी, एकदम हंगामा हो जाने चाहिए पूरे आपके गली मोहल्ले में, समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट होती है ना बेटा, तो थाली वाली लेके बजाना शुरू कर दोगे बेटा, यस क्लास स्टार्टेड, ताकि जो लोग सो रहे हो जग जाएं और फिर वो भी क्लास देखने लगे, राइट? ऐसे ही करने वाले हो? यस। या फिर एक बार बाहुबली का गाना गा देना तो सब लोगों को पता लग जाएगा। दोनों दोनों मेथड अपने पास। बेटा अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपके मोबाइल में इसके लिए होना चाहिए टेलीग्राम एप्लीकेशन, और ये हमारे पास लिंक है। या तो इस लिंक को आप ब्राउजर में पेस्ट कर दो या तो ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन से क्लिक कर दो। दोनों ही मेथड है अपने पास, दोनों से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके जैसे प्यारे 22,000 लोग इसमें हैं, तो व्हाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड ज्वाइन दिस। चलिए बेटा, इंडिया की बेस्ट एडुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं क्या? आपका ड्रीम है कि इंडिया के बेस्ट, इंडिया के मोस्ट लाइक्ड, इंडिया के पॉपुलर टीचर्स, जैसे कि गौरव सर फिजिक्स के लिए, जैसे कि गरिमा मैम बायो के लिए, जैसे कि केमिस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत मैं भी। तो मेरी बैच बेटा थोड़ा दिन डिले हो गया, आई डोंट नो व्हाई। संडे को मैं उस बैच का ओरिएंटेशन कर रहा हूं और स्टार्टिंग कर देंगे बेटा मंडे से, ठीक है ना? कौन सा बैच है बेटा? संडे से वो ओरिएंटेशन हो गया है बैच का। ओरिएंटेशन करूंगा मतलब मैं उसमें बताऊंगा कि अपने को फिजिकल केमिस्ट्री किस किस वे में आगे लेके चलना है। आज फ्राइडे है, बस कल का दिन है, वो घड़ी आ जाएगी संडे को सुबह सुबह ही हम स्टार्ट करने वाले हैं संडे को बेटा। और संडे को बेटा मॉर्निंग में हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। हमारा दिन शुरुआत होगा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, थोड़ा सा ये अर्ली क्लासेस होगी, ठीक है ना बेटा? जिससे आपका अगर नींद विंद आ रहा है तो वो भी भाग जाएगी। चलो एक बहाना मिल गया कि नींद नींद से उठने के लिए बीटी सर काफी है ना, नींद उड़ा देते हैं बीटी सर बेटा। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि सारे डर जाएंगे, आपसे एग्जामिनर भी डर जाने वाला है, जिसमें बेटा हम डीपीपीज के सॉल्यूशंस, डीपीपीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा। साथ में जो इंडिया के टॉप मॉड्यूल जिसको मानते हैं आप लोग और हम भी मानते हैं ऑब्वियसली, तो उस टॉप मॉड्यूल कोचिंग मॉड्यूल्स के हम क्वेश्चन करेंगे, सामने आपके सामने करने वाले हैं बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एक ही चीज जरूरत होती है, द की टू सक्सेस ऑफ फिजिकल, मतलब द की टू सक्सेस इन नीट, The key to success in the marks of physical chemistry, आपका होता है प्रैक्टिस। और वो की हम पकड़ लिए हैं। देखो बेटा जो बीमारी है ना उसी की दवा करेंगे, तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, हम प्रैक्टिस कराते हैं। That's it. आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आप इस बैच में जुड़ने वाले हो तो बेटा बाहुबली कोड अप्लाई करिए, और बिना किसी देरी के साथ मैं चाहता हूं सब लोग ओरिएंटेशन में आए, क्योंकि वो ओरिएंटेशन धमाकेदार होगा, क्योंकि उसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली आपको पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं आता फिजिकल केमिस्ट्री, पढ़ना कैसे? आप सब लोग नोट्स थ्योरी बार 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 देखे जाते हो, अरे बेटा नोट्स और थ्योरी इज एक 60% ही काम आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में 40% आपका आपका जो मेहनत है ना वो काम आता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जैसे ही बाहुबली कोड लगाओगे बेटा तो वो उस एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस वाले डिस्काउंट वाले बैच में आप आ जाओगे, मतलब 10% डिस्काउंट लगा वाले बैच में आ जाओगे। साथ में बेटा 6 months की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वेदर 12 months की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर 24 months की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री को हम रगड़ के फेंक देंगे। पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं बेटा सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12, उसके बाद में उसमें स्टार्ट करूंगा इक्विलिब्रियम, उसके बाद में उसमें स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में उसमें स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड दिस इज द वे जिस तरह से हम उसको प्रोसीड करने वाले हैं। क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इजाजत है? क्या आप अपने जिंदगी में किसी पर्सनल कोच की तलाश कर रहे हैं? क्या कोई पर्सनल मेंटोर की तलाश कर रहे हैं? क्या किसी पर्सनल गाइड की जरूरत है? अगर हाँ तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटा आपको लेना चाहिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 6 months, 12 months और 24 months के लिए है। अगर आप बेटा ये बाहुबली बनना चाहते हो ना सब्जेक्ट में, और नीट एग्जाम में एकदम अमरेंद्र बाहुबली की तरह बनना चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई दिस बाहुबली कोड।
आफ्टर यू अप्लाई दिस एज सून एज यू अप्लाई दिस बाहुबली कोड बेटा 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और हमारे मेंटोरशिप बैच में आप आ जाओगे, हम उसमें स्पेशली आपको मेंटोर करते हैं, ठीक है। यस, एक खास बात आपको बताता हूं, इस मेंटोरशिप बैच में एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाऊंगा, जो लोग ये कोड इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक सरप्राइज देने वाला था, लेकिन सरप्राइज अभी रिवील कर रहा हूं। एक ऐसे खास इंसान से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो आपके पिछले साल के पेपर में 2000 ही इज माय स्टूडेंट, पिछले साल के पेपर में 180 में से 170 लाए। मैं मेंटोरशिप बैच का ओरिएंटेशन बोल रहा हूं ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बैच आपको एक लड़के से मिलवाऊंगा जिसको 180 में से 170 मार्क्स स्कोर किया है, उसके मैं पूरा प्रूफ के साथ आऊंगा, उसका रोल नंबर अभी भी आप इंटरनेट पर डाल सकते हो, उसका वो आ जाएगा और वो खुद आपके सामने होगा और वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है और वो आपको गाइड करेगा रोज। तो ये आपको खास बेनिफिट बेटा मिलती है इस बाहुबली कोड से। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना आज का मुद्दा है बैक बॉन्डिंग। आप सब लोगों से बहुत नाराजगी है मुझे, पता है क्यों बेटा? ये जो कंजूसी करते हो ना शेयर वेयर करने में, ये नहीं चलेगा। आपको तो बेटा हंगामा मचाना पड़ेगा, शोर मचाना पड़ेगा चारों तरफ, फिर हम स्टार्ट करें आज का अमेजिंग सेशन बैक बॉन्डिंग। चलिए बेटा बैक बॉन्डिंग की बात बारे में बात करते हैं। मैं आपके थोड़ा कमेंट्स आपसे थोड़ा रूबरू हो जाऊं फिर मैं स्टार्ट करूं। दोस्ती कर लिए क्या? ये मेरे डायलॉग कॉपी कर रहे हैं, मेरे को कॉपीराइट लगाना पड़ेगा, मैं पहली बता रहा हूं। बेटा दोस्ती कर ली क्या सब लोगों ने? नहीं की ना? अरे नलायको, दोस्ती हो जानी चाहिए। अब एक बार आप दोस्त बन चुके हो, अब देखना आपको कैसे धुआंधार तरीके में समझ आता है। सर इसका नाम है बैक बॉन्डिंग, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग और इस टॉपिक का नाम है बैक बॉन्डिंग। पिछले दरवाजे से अगर बॉन्ड बन रहा हो तो उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बेटा पिछले दरवाजे से हमेशा गलत काम ही होता है, तो आप यहां देखोगे यहां भी गलत ही काम हो रहा है। सुन समझेंगे कैसे। बैक बॉन्डिंग का मतलब अगर पिछले दरवाजे से बॉन्ड बने, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पहले तो इसको हम दूसरे नाम इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग का दूसरा नाम इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस इंटरेक्शन। अब इसको रटना नहीं है, समझेंगे। सर यहां पे बात कर रहे हैं इंट्रामोलिक्यूलर, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रामोलिक्यूलर? सर अगर सेम मोलिक्यूल के बीच में कुछ चीज होता है ना तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। अगर दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही हो तो इट इज इंटरमोलिक्यूलर, बट अगर एक ही मोलिक्यूल में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। का मतलब देयर इज अ सिंगल मोलिक्यूल। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग एक सिंगल मोलिक्यूल की कहानी है, हम उस मोलिक्यूल से बाहर के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब एक सेम मोलिक्यूल में एसिड बेस बेस इंटरेक्शन हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर सेम मोलिक्यूल में एक एक्सेप्टर का काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, और सेम मोलिक्यूल में एक डोनर का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। अब बैक बॉन्डिंग ना थोड़ा थोड़ा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बेटा सेम मोलिक्यूल में एक एसिड हो और एक बेस हो, अगर बेटा सेम मोलिक्यूल में एक एक्सेप्टर हो एक डोनर हो, अगर इस तरह से कुछ हो रहा हो तो उसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। आइए प्यार से कई लोग इसको डेटिव पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, अभी समझाऊंगा इसके बारे में, बस नाम है और कुछ नहीं है। व्हाई इट इज डेटिव पाई बॉन्ड आगे आने वाला है। तो ये तीन नामों से जाना जाता है, आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पहले बैक बॉन्डिंग आया कैसे, व्हाट इज द नीड फॉर बैक बॉन्डिंग, एंड ये लोगों के दिमाग में कैसे है कि बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, समझते हैं। आप सब लोग सबसे पहले काम करिए, लेविस स्ट्रक्चर बनाइए BF3 मॉलिक्यूल का। पहला क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग में, और ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि बेटा BF3 मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बनाई तो बनाए कैसे? अरे बनाइए बेटा, BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाई तो बनाए कैसे? तो सर एक बोरोन है, तीन फ्लोरीन है। आप सब लोगों को पता होगा मैं चुपके से इस कॉर्नर में BF3 मॉलिक्यूल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। बोरोन जो है मेरे दोस्तों तीन बॉन्ड बनाया हुआ है, तीन फ्लोरीन के साथ, बहुत अच्छा। एक बात बताना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? आप बोलोगे कि सर एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो यहां पे तीन बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड में छह इलेक्ट्रॉन होगा क्या? तो इसका मतलब सर बोरोन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं तो बोरोन के पास छह इलेक्ट्रॉन है। सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यहां तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यहां तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ऑक्टेट इसका इनकंप्लीट है सर, ऑक्टेट इज इनकंप्लीट। अच्छा तो होता क्या है, ऐसे मोलिक्यूल जिसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है वो पिछले दरवाजे से बॉन्ड बना लेता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बेटा आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो?
अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब स्टेबल हो जाना केमिस्ट्री के अंदर. आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? किसी सुंदर कन्या के लिए? और जो जो बालिकाएं हैं बेटा, जो गर्ल्स हैं, वो ऐसा सोचते होंगे कोई कोई स्मार्ट सा हद से सिंगल वाला बंदा मिल जाए तो भी चलेगा काम. ठीक है, आगे आते हैं बेटा. BF3 मोलिक्यूल में ये बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है. अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ तो करेगा ना, तो पिछले दरवाजे से बॉन्ड बना लेता है. एंड वही पिछले दरवाजे से बॉन्ड होता है बैक बॉन्डिंग. समझते हैं व्हाट इज बैक बॉन्डिंग. देखिएगा, ये जो थ्योरेटिकली BF बॉन्ड का 1.50 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होना चाहिए. क्यों? क्योंकि BF जो है ना सर, BF3 में BF बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना. और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, B और F सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज 1.50 एंगस्ट्रॉम, ऐसा होता है. बट BF3 मॉलिक्यूल में जब मैं BF का बॉन्ड लेंथ मेजर किया एक्सपेरिमेंटली तो आया 1.30. बेटा पहले तो ये बात पता लगी कि ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अनस्टेबल है. आगे जब बढ़े तो पता लगा कि 1.50 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए लेकिन है इसमें 1.30 ही. तब ये घपला कहां हो रहा है? ये घपला वही पिछले दरवाजे से बॉन्ड बना है ना, इसी वजह से ये डिक्रीमेंट हो रहा है. तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये डिक्रीमेंट हो रहा है. अब समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग हुआ कैसे और ये डिक्रीमेंट हुआ कैसे. आइए सर एक एक करके हम बहुत बेहतरीन वे में समझेंगे. देखना बेटा, सर मेरे पास था, मैं फिर से स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं. ये देखिएगा सर, आपको स्ट्रक्चर आई होप विजिबल होगा, है ना नालायक दोस्तों. आके आगे आई देखिएगा, लैगिंग वैगिंग नहीं हो रही है ना? अरे लैगिंग हो रही क्या? एक बार चेक कर लूं कि आप लोगों के लिए, चेक कर लेता हूं बेटा. मेरे तरफ से लैगिंग नहीं हो रही बेटा, एकदम ग्रीन सिंबल है, एकदम गुड टू गो, गुड टू गो. ठीक है ना दोस्तों? यस 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 ओके. अब आते हैं बेटा BF3 मॉलिक्यूल. अब आते हैं BF3 मॉलिक्यूल. जस्ट अ सेकेंड. ओके, अरे क्या हुआ? हां जी बेटा, तो ये BF3 मॉलिक्यूल दिख रहा है. ठीक है सर, अब जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो कई बार मैंने बताया है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है बोरोन के पास. बोरोन 3 बॉन्ड बनाने के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसके पास. ठीक है सर, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है एक नहीं तीन तीन, तो ये तो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. और ये देखो बोरोन के पास खाली कमरा है. बेटा अगर किसी के पास लेने के लिए कुछ है और किसी के पास देने के लिए कुछ है तो लेन देन तो होके रहेगा, ये बात समझ लीजिए. बेटा आपके पास कुछ ना कुछ देने का होगा ही, सामने वाले के पास कुछ ना कुछ लेने का होगा ही. एंड दिस इज हाउ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बॉन्ड बनता है. देखना बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है ऑन फ्लोरीन और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लो वैकेंट डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे, तो हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होगा. और ये देखो यहां पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुके थे, ये पिछले दरवाजे से बैक बॉन्डिंग हुआ है, ये पिछले दरवाजे से बॉन्डिंग हुआ है, इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्ड. ऑलरेडी एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड में क्या जो फ्लोरीन है वो बेस की तरह काम कर रहा है, डोनेट कर रहा है. यस, एक सिंगल ही कंपाउंड में क्या बोरोन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, तो क्या ये लेविस एसिड बेस इंट्रैक्शन हो रहा है? इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर लेविस एसिड बेस इंट्रैक्शन. राइट ओके, मूव एक एक करके सब समझ आएगा, डोंट वरी. चलिए सर, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि राइट वाला फ्लोरीन ही बॉन्ड बनाए. सर लेफ्ट वाले के पास भी 3 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो ये भी दे सकता है. सर ये नीचे वाला भी 3 लोन पेयर है तो ये भी दे सकता है ना बेटा. कहने का मतलब है ऊपर वाला भी बैक बॉन्ड बना सकता है, लेफ्ट वाला भी बैक बॉन्ड बना सकता है और राइट वाला भी बैक बॉन्ड बना सकता है. कहने का मतलब है इसका हाइब्रिड अगर मैं बनाऊं तो तीनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है. तो हमने BF3 में एज्यूम किया था कि सिंगल बॉन्ड होगा, बट एक्चुअली यहां पे पिछले दरवाजे से बॉन्ड बन रहा है तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ चुका है. होना चाहिए था 1.5, हो गया 1.3 क्योंकि हमने एज्यूम किया था सिंगल बॉन्ड, यहां तो डबल बॉन्ड है. यह डबल बॉन्ड आया कैसे? पिछले दरवाजे से. तो जब जब ऐसा केस हो कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास लोन पेयर हो, तो बेटा वहां पे पिछले दरवाजे से बैक बॉन्डिंग होगी. कुछ ना कुछ इल्यू इल्यू होगा, कुछ ना कुछ गुफ्तगु होगा. अरे नालायको दिमाग मत लगाना, दिमाग लगा लोगे तो ये समझ नहीं आएगा, घुटना लगा लोगे तो बेटा एकदम आराम से समझ आ जाएगा. आगे बढ़िए बेटा, बैक बॉन्डिंग की वजह से हुआ क्या है? सर पिछले दरवाजे से फ्लोरीन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, पिछले दरवाजे से फ्लोरीन ने बॉन्ड बना दिया, तो बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है.
क्या डेवलप हुआ है अपने लाइक दोस्तों, पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हुआ है। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो गया तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा। तो हमने एज्यूम किया था कि बीएफ सिंगल बॉन्ड होगा तो होना चाहिए था 1.50 एंगस्ट्रम, बट हो गया 1.3 एंगस्ट्रम के अप्रॉक्स, क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ चुका है। एंड व्हाई डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आया है, क्योंकि पिछले दरवाजे से फ्लोरीन ने एंट्री कर लिया, तो इसलिए हमेशा घर का पिछला दरवाजा बंद रखें। बात समझ में आई क्या, एकदम क्लियर हो गया है क्या, हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए बेटा बैक बॉन्डिंग का डेफिनेशन बता देता हूं आपको। पहले मैं बता दूं, चूंकि ये बैक डोर से काम हो रहा है, चूंकि पिछले दरवाजे से काम हो रहा है, उतना इफिशियंटली नहीं होगा बेटा। जो काम सामने से अच्छा होता है वो काम पीछे से उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। समझ आता हूं क्या मतलब है बेटा। इट इज अ वीकर पाई बॉन्ड, बैक बॉन्ड इज अ वीकर पाई बॉन्ड। पहला तो ये वीकर पाई बॉन्ड है, क्यों, जो ओरिजिनल पाई बॉन्ड जो होता है ना उससे वीकर पाई बॉन्ड है। क्यों, ऐसा समझाता हूं। विच इज फॉर्म विद इन सेम मोलिक्यूल, क्या ये बात पक्का हो गया कि BF3 के सेम मोलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड बना है बैक बॉन्ड। हाँ सर। और ये वीकर इसलिए है क्योंकि अनइक्वल साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, अनइक्वल साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है। फ्लोरीन का जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है और बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल और बोरोन का वैकेंट वाला ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करते हैं, अनइक्वल ओवरलैपिंग करते हैं। और कौन सा, साइडवेज ओवरलैपिंग, इसीलिए पाई बॉन्ड बनता है, इसीलिए डेटिव पाई बॉन्ड बोला जाता है। Why it is dative pi bond? Because यहां पे sideways overlapping हो रही है, और sideways overlapping वो भी unequal, तो pi bond तो बन गया, donate करने से बन गया, इसलिए dative बोल दिया। लेकिन weaker pi bond इसलिए है क्योंकि unequal sharing हुई है। ऐसा धुआं concept ना बेटा, मिलेगा नहीं, खोज लेना, मेरे को दावा कर सकता हूं। अब बेटा हमारा aim तो है sir questions लगाने का। सर क्वेश्चंस कैसे लगेंगे बैक बॉन्ड के, हमने बैक बॉन्ड की थ्योरी वगैरह समझ ली कि बैक बॉन्ड लेंथ हो गया डिक्रीज क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, और पार्शियल डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि पिछले दरवाजे से फ्लोरीन ने डोनेट कर दिया। अगर लोन पेयर है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग बच जाएगा। समझते हैं कंडीशन क्या क्या होती है, मोलिक्यूल में देख के कैसे बता सकते हो कि यहां बैक बॉन्डिंग है कि नहीं। तो पहला तो एक बात बताओ कि बॉन्डेड एटम होना चाहिए, पहले से उसमें बॉन्ड बना होना चाहिए। तो बी एफ थ्री में देख लो, तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, तो पहले से ये बॉन्डेड एटम होना चाहिए, ठीक है। उसके पास, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास खाली कमरा होना चाहिए। बेटा खाली कमरे का जिंदगी में ना बड़ा इस्तेमाल है। एक के पास अगर लोन पेयर है, दूसरे के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लेन देन को कोई रोक नहीं सकता। इफ वन हैज अ लोन पेयर एंड द अदर हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल, दिस डोनेशन विल टेक प्लेस। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर ऐसा दिख जाए कि बॉन्डेड एटम है फिर भी एक के पास लोन पेयर है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बैकबोन तो होके रहेगा, आप रोक नहीं सकते। दूसरा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब जाके बैकबोन होता है। केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बैकबोन नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन सुन लो मेरे दोस्तों। सर एक ना सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, अच्छा एक ना सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा इट मस्ट बी आइदर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। ये दोनों जो एटम जिसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा या तो सेकंड या तो थर्ड हो सकता है, और एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो बैक बॉन्ड को कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब आप मुझे बताइए, बी एफ थ्री को मैं ना ऐसे लिखता हूं, अब मुझे बताइए कि क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग है। तो आप बोलोगे कि सर एक दो एटम होना चाहिए, तो देखो बोरोन और फ्लोरीन है, तो बोरोन जो है सर सेकंड पीरियड का है और फ्लोरीन भी हमारा सेकंड पीरियड का है, तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया। फर्स्ट कंडीशन में सर बोरोन के पास हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है और सर हमारा जो फ्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है, अरे मजा ही आ गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए, इसलिए यहां पर बैक बॉन्डिंग था। क्या BCl3 में बैक बॉन्डिंग होगा, क्या BCl3 में बैक बॉन्डिंग होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो वहां पे आप देखोगे कि सर बोरोन जो है वो भी सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड का है, ठीक है सर, तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। पहला कंडीशन ये है कि लोन पेयर होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। बेटा बैक बॉन्डिंग से कोई रोक नहीं सकता, ये पिछले दरवाजे से क्लोरीन घुस जाएगा बोरोन के घर में, क्लोरीन जो है पिछले दरवाजे से लोन पेयर डाल देगा,
कहां पे? बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में, एंड दिस इज हाउ बैक बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल होगा। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, मैंने आपने बोला कि बी एफ थ्री में भी बैक बॉन्डिंग होगा, आपने यही बोला कि बी सी एल थ्री में भी बैक बॉन्डिंग होगा क्योंकि ये एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इसके पास लोन पेयर भी है, यही तो दो कंडीशन होते हैं, इसी से तो बैक बॉन्डिंग होता है। मेरे दोस्तों आपने ही बोला कि BF3 में भी बैक बॉन्डिंग होगा, आपने ही बोला BCl3 में भी बैक बॉन्डिंग होगा, और आपसे ही पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से किस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। एकदम एक्सप्रेस गाड़ी की तरह निकल रहा हूं क्या? नहीं ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट आएगा दिमाग में, समझ BF3 और BCl3 में बैक बॉन्डिंग कहां ज्यादा होगा? दोनों में बैक बॉन्डिंग है, बट इन दोनों में इफ वी कंपेयर, हाउ यू विल कंपेयर इट? बेटा बैक बॉन्डिंग बना कैसे? सर ओवरलैपिंग से। कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है? सर ये पाई बॉन्ड है इसलिए साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है सर, तो यहां पे साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ है 2p 2p का, और यहां पे साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ है 2p 3p का। कौन अच्छा ओवरलैप होगा? बेटा छोटा साइज ओवरलैप ज्यादा, 2p 2p छोटा साइज ओवरलैप ज्यादा, ज्यादा बैक। अरे क्लियर हुआ क्या? एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना थी, बिकॉज ऑफ द सेम पीरियड। हां जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा ये पाई बॉन्ड होता है, वो भी वीक पाई बॉन्ड होता है। अच्छा क्यों वीक पाई बॉन्ड होता है? क्योंकि सर अनइक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग हो जाती तो मजा ही आ जाता, अच्छा पाई बॉन्ड बन जाता, लेकिन ये तो अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया हमने, और बेटा ये क्वेश्चन का जवाब जो है हम आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या दे पाएंगे? कोशिश तो करिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन देख के ना घबराते नहीं है, ये क्वेश्चनों का जवाब हम आपसे चाहते हैं, और हमको लगता है कि आप दे देंगे इसका जवाब, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे अपने दिमाग को, तो ये क्वेश्चन जो है आप आंसर दे देंगे, कोशिश कर लेते हैं भैया। आइए, कहा जा रहा है जो हमारा एनसीईआरटी वाला जो राइटर है वो कह रहा है कि भैया जो ट्राइसिलाइल अमाइन है ना, जो ट्राइसिलाइल अमाइन है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे पास ट्राइमिथाइल अमाइन है, जो ट्राइमिथाइल अमाइन है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ऐसा काहे हुआ है? अब ये जो है हम समझते हैं सर, ये जो डायग्राम है उसको भूल जाइए, हम जो बना रहे हैं उस पर नजर दौड़ाइएगा तो जल्दी अच्छा से समझ आएगा। सर ट्राइसिलाइल अमाइन, पहले तो कई लोगों को यही नहीं पता होगा, और कई लोगों को ट्राइमिथाइल अमाइन भी नहीं पता होगा। चलिए पहले मैं ट्राइमिथाइल अमाइन बताता हूं सर, अमीन नॉट अमाइन, ठीक है। अब देखना ट्राइमिथाइल का मतलब तीन मिथाइल ग्रुप आएंगे बेटा, सुनिए, ट्राइमिथाइल का मतलब तीन मिथाइल ग्रुप आएंगे। नाइट्रोजन अगर तीन बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर हुआ तो आएगा ही ना। हाँ जी, सिलाइल का मतलब होता है SiH3, तो एक के बारे में बता देते हैं सर, एक यहां पे SiH3 हो गया, दूसरा यहां पे SiH3 हो गया बेटा, तीसरा यहां पे SiH3 होता हुआ नजर आ रहा होगा, ये हो गया लोन पेयर। हां जी ओके सर, जो ट्राइमिथाइल अमीन है ना, ये भी सेकेंड पीरियड का है और कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है। सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हुआ, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन इसकी बात कर लें सर, ये जो है नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन जो है बेटा वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सर इसके पास तो लोन पेयर है और सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, काहे भैया? कार्बन सेकेंड पीरियड का था उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, और अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो यहां पे बेटा लोन पेयर है, यहां पे बेटा खाली कमरा है, या पिछले दरवाजे से कोई इसको खाली कमरे में इंटर होने से रोक सकता है क्या? भैया पिछले दरवाजे से इंटर हुआ, बैक बॉन्डिंग हो चुकी है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसिलाइल अमीन। ट्राइसिलाइल अमीन के बनने से बैक बॉन्डिंग हो चुका है, सो ट्राइसिलाइल अमीन में क्या दिक्कत है? ट्राइसिलाइल अमीन में सर बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग। अच्छा कितना कमाल का ये जो ये एक 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 बन रहा है, बीबी और पिछला दरवाजा, ओहो बैक बॉन्डिंग पिछला दरवाजा, बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है बेटा? बीबी। अच्छा बीबी से कई लोगों के ख्वाब जाग गए होंगे, बेटा थोड़ा सा ना अभी अपने को कंट्रोल करके रखना है। प्लेनर स्ट्रक्चर इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे सर नाइट्रोजन ने अब जो लोन पेयर था वो पाई बॉन्ड में कंसिडर हो चुका है, यहां पे सर बैक बॉन्ड बन चुका है, यहां पे बीबी हो चुका है, यहां पे बीबी आ चुकी है, और बीबी कैसे आती है बेटा? पिछले दरवाजे से, केमिस्ट्री की बीबी है बेटा, केमिस्ट्री का बैक बॉन्डिंग है बेटा, यही तो है। अरे बतवा समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है,
फिर से समझाएंगे जी। हाँ जी बेटे, बैक बॉन्डिंग जो है वो पिछला दरवाजा से, ठीक है। आइए यहां आते, आप बड़ा ज्ञान दे रहे हो बेटा, जिंदगी का ज्ञान ना ये जरूरी है। ये ज्ञान वगैरह तो हम दे देंगे, लेकिन जिंदगी का ज्ञान वो कोई नहीं देता, वो आपके हद से सिंगल बेटी सर देते हैं बेटा, ठीक है ना। यस, ओहो देख रहे हो आप, कुछ लोग कह रहे कि सर अगर बीबी ही है तो पिछले दरवाजे से क्यों आएंगे। ओहो कुछ और सुनना चाह रहे हो आप, बहुत तेज हो रहे हो। रुको जरा, क्वेश्चन देखो बेटा, बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, जो लोन पेयर अब रहा नहीं। यहां पे बेटा केवल तीन सिग्मा बॉन्ड रहे, और तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हो गया। सर यहां पे बैक बॉन्डिंग हुआ नहीं, तो तीन सिग्मा भी था और एक लोन पेयर भी था, इसका मतलब सर चार, और चार का मतलब सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3 जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बट sp2 का नाम ही होता है सर ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो देयरफॉर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लोन पेयर के गायब होने की वजह से बेटा यहां पे आ जाता है प्लेनर स्ट्रक्चर। आइए अब जो है असली मजा आएगा आपको, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, उसमें हम बॉन्डिंग देखने वाले हैं, बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब आइए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं हमारे सिलेबस में, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। हमारे सिलेबस की बात करो तो 3 center 2 electron bond पढ़ने हैं और 3 center 4 electron bond पढ़ने हैं। ये आप पहली बार इस तरह का बॉन्ड पढ़ रहे होंगे बेटा। बनाना बॉन्ड को कई साइंटिफिक तरीके के जो लोग है ना उसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। बनाना बॉन्ड को हम ब्रिजिंग बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओवर ब्रिज और अंडरपास की कहानी आएगी। मैं सुनाऊंगा कि ओवर ब्रिज कैसे बन रहा है और अंडरपास कैसे बनाना है, सिविल इंजीनियरिंग भी आपको सिखा दूंगा। आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बढ़ाई मैं अपनी भी कर देता हूं बेटा, क्या दिक्कत है। आइए, मिर्जापुर 2 के फैन हुए, अरे एकदम बवाल चीज है, एकदम हिला देता है मतलब समझ रहे हो। AlF3 में होगा क्या बैक बॉन्डिंग, अभी आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं बेटा, डोंट वरी। AlF3 में क्या होगा वो मैं आ रहा हूं, क्लियर। यस हाँ, ये देखो सब बनाना बनाना बेटा, बनाना बॉन्डिंग ना, बनाना से केवल एक ही चीज नहीं होती खाने वाली, बनाना से बेटा पढ़ने वाली भी चीज होती है, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, देखिएगा। बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, पहले तो ये समझिए कि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऐसा कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दैट इज वहां पे होगा बनाना बॉन्डिंग। कैसे होगा आता, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और अगर उसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो तो अपना स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जिसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि MCH3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसमें बैक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब उन जैसे एग्जांपल्स के, जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल आपको कराना चाहता हूं, पहले मैं एग्जांपल आपको करा देता हूं, ठीक है ना बेटा। बैक बॉन्डिंग का ही एग्जांपल है, आइए, ये तो कहां गया बेटा, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। लोन पेयर वन पेयर कैलकुलेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल कहां गया भाई। एक एग्जांपल था आपके लिए, मैंने लेके आया था, पता नहीं मिल नहीं रहा हूं, करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। यस, बॉन्ड एंगल का ही था। चलिए आगे आते हैं बेटा, बनाना बॉन्डिंग के केस इधर देखिएगा। सर लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा, पल्लवी लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है, ठीक है ना। लोन पेयर अगर मान लो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में ये दो इस तरह से पड़े हैं, दैट मींस इट इज अ लोन पेयर, और अगर पूरा खाली पड़ा है, दैट मींस इट इज अ वैकेंट ऑर्बिटल। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड, ठीक है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए उसको हम डील कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में। आइए बेटा यहां बनाना बॉन्डिंग पे फिक्स करिए। आइए बेटा, बनाना बॉन्डिंग को हम ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओवर ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे और बेटा नीचे से अंडरपास भी बनाएंगे। सुनाता हूं सर, दो तरीके के हमने बनाना बॉन्डिंग पढ़ने हैं, एक है 3 center 2 electron, एक है 3 center 4 electron। बट अभी तक जैसे मान लो आप Cl2 की बॉन्ड पढ़ रहे थे, Cl2 का बॉन्ड आपने Cl पढ़ा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पढ़ रहे थे। यस सर, यहां पे एक बॉन्ड बना है
हाँ तो एक बॉन्ड में बेटा आप ही बता दो कि कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं। आप बोलोगे कि सर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, ये रह गया, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ पे एच और एच के बीच में बात करो तो यहाँ पे बेटा एक बॉन्ड बना है, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। अभी तक आपने इसी तरह के बॉन्ड पढ़ रखे हैं, ठीक है सर। तो यहां पे जो एटम्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं सेंटर, दैट मीन्स दो क्लोरीन है, दैट मीन्स वी विल कॉल इट एज सेंटर, दैट मीन्स वी हैव टू सेंटर। और इन दोनों सेंटर्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहां पे, तो टू सेंटर के बीच में सर दो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ है, इसको बोलेंगे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कहने का मतलब है अभी तक जो आपने पढ़ा है वो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, बट आज आप पहली बार थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे और थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों जो एटम है, एटम को बोलते हैं सेंटर, दैट मीन्स दो एटम है तो दो सेंटर। और इन दोनों सेंटर्स के बीच में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट मीन्स इट इज टू इलेक्ट्रॉन। अब पहली बार आपके हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तीन एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, समझाऊंगा, डोंट वरी। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन से हम स्टार्ट करते हैं, देखना थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। अभी ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ सुने फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखना बेटा, हमारे पास क्या BH3 मॉलिक्यूल होता है, जैसे आपने BF3 बनाया वैसे ही BH3 बना लो, यस सर। क्या बोरोन ने तीन बॉन्ड बनाए, अब सब लोग इत्तेफाक रखोगे हां जी सर। क्या एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हां जी सर। तीन बॉन्ड में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, हां जी सर। तो क्या इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हां जी सर। यही तो लिखा हुआ है कि बोरोन का जो ऑक्टेट है ना वो नॉट कंप्लीट है, क्यों बेटा, क्योंकि इसके पास छह इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवैलेंट है। अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश तो करेगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी बैठा रहेगा भाई। आप भी कोशिश कर रहे हो ना नीट के लिए, क्यों, क्योंकि आप स्टेबल हो जाओगे नीट कॉलेज में जाने के बाद, आपके लिए फिर यू नो लाइन लगेगा किसका, समझ सकते हो बेटा। अच्छे जॉब्स की बात कर रहा था, तो BH3 जो है वो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है, हां जी। हाइपोवैलेंट का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ तो करेगा, तो कोशिश करेगा बैक बॉन्डिंग करने का, लेकिन बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ना ही बोरोन के पास लोन पेयर है ना ही हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है। बैक बॉन्डिंग के लिए एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए था, वहां तो बैक बॉन्डिंग का केस खत्म हो गया। अब आते हैं बनाना बॉन्डिंग, जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगा वहां बनाना बॉन्डिंग लगेगा। अब जो BH3 है ना, इसमें बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं सकता, लेकिन इसको किसी भी तरह अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है ना, यस। तो ये अपना डाइमर या फिर पॉलीमर बना के कोशिश करता है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि किस केस में डाइमर बनेगा, किस केस में पॉलीमर बनेगा। तो डाइमर और पॉलीमर बना के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपना स्टेबिलिटी बैक बॉन्ड से नहीं कंप्लीट कर पाए, वो अपना स्टेबिलिटी पॉलीमर और डाइमर बना के कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। और इसी पॉलीमर और डाइमर बनाने की कड़ी में आपको बनाना बॉन्ड आ जाता है, समझे, यस, बिल्कुल सही। अब आते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन की बात। सर सबसे पहले मैं अभी आपको डाइमर पढ़ा रहा हूं, सिर्फ पॉलीमर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं डाइमर कैसे बनाना है, देखना सर। ये मैंने बनाया BH3, पहला डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल आएंगे, तो मैंने दो मॉलिक्यूल ऑफ BH, अच्छा BH3 मैंने इस बार हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में रख दिया है, बस स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए कुछ नहीं, तो एक BH3 दिख गया, यस सर। अब सब लोग इधर देखोगे बेटा, मन की आंखों से देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और दिमाग तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि दिमाग लगाते हो तो आपका इधर तो कुछ है नहीं ना, घुटना लगा लेते हो तो समझ आ जाता है, क्योंकि आपका दिमाग बेटा घुटने के अंदर है। आइए इधर समझाते हैं। सर दो BH3 के मॉलिक्यूल मुझे दिख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सर इस बोरोन के पास छह इलेक्ट्रॉन है, तीन बॉन्ड बनाए हैं, इस बोरोन के पास भी छह इलेक्ट्रॉन है, तीन बॉन्ड बनाए हैं। सर ऑक्टेट दोनों का इनकम्प्लीट है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, अगर दोनों बोरोन को मैं दो इलेक्ट्रॉन दे दूं, अगर मैं इसको दो इलेक्ट्रॉन बेटा कहीं से दे दूं, अगर मैं इसको कहीं से भी दो इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो ये अपना खुशी खुशी अपना घर बसा लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो खुशी खुशी ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। आइए समझाते हैं। अगर मैं इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दूं, कहां से दे रहा हूं देखना सर, ये जो अच्छा बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तो आपको पता है बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो बना नहीं रहा, डायग्राम थोड़ा सा ना ऐसा ही हो जाता है, खराब हो जाएगा। चलिए तो सर इस लेफ्ट वाले बोरोन को, इस बोरोन की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट वाले बोरोन को मैं दो इलेक्ट्रॉन देने जा रहा हूं, ये दो इलेक्ट्रॉन सामने वाले बोरोन हाइड्रोजन के बॉन्ड से दे रहा हूं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, समझ गए, यस सर। सिमिलरली इस वाले बोरोन की बात करो तो इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके सामने वाले जो बॉन्ड है उससे मैं डोनेट कर रहा हूं, बात समझे बेटा। छह इलेक्ट्रॉन थे,
सामने वाले बीएच मॉलिक्यूल के बॉन्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शेयर करा दिए हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन राइट वाले के पास भी है, लेफ्ट वाले बोरोन के पास भी आ गए हैं, शेयर करा दिया। सिमिलरली ऊपर वाले के में शेयर करा दिया। तो अब देखो, छह इलेक्ट्रॉन थे, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो बेटा आठ आठ इलेक्ट्रॉन बनकर रेडी हो चुके हैं। तो बेटा ऑक्टेट बनके तैयार हो चुका है, आठ आठ इलेक्ट्रॉन बनके रेडी हो चुका है, दैट मीन्स ऑक्टेट बनके तैयार हो चुका है, मतलब स्टेबिलिटी आ गई। देख लो बेटा, इस बोरोन के पास छह इलेक्ट्रॉन थे, बट दो इलेक्ट्रॉन सामने वाले बॉन्ड से आए हैं। सिमिलरली इसके पास भी छह इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन सामने वाले से आए हैं, दैट मीन्स आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अब खुशी है। बट आपका एक सवाल आया होगा कि सर, एक तो पहले से ही दो छह इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? मैंने कभी नहीं बोला कि दे देगा, मैंने बोला शेयर करेगा। थोड़े देर इस बोरोन के पास, थोड़े देर आगे वाले बोरोन के पास, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। बेटा ये टू टाइमिंग कर रहा है। कहने का मतलब है बेटा, कभी तो इस बोरोन के पास, कभी तो इस बोरोन के पास, कभी तो इधर, कभी तो इधर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीशन। थोड़ा क्षण भर के लिए खुशी होगी यहां पर, क्योंकि ये कभी तो लेफ्ट में है, कभी तो राइट में है, कभी लेफ्ट में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंडुलम बॉन्ड। अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। और ये आपका कमेंट्स क्यों रुक रहा है? क्योंकि मेरे मोबाइल में बेटा अच्छा इंटरनेट आ नहीं रहा है। वाईफाई वालों को ना बेटा पैसा वैसा काटना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पार्शियल, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखना मैंने क्या किया, मैंने अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाया है। सर ये वाला हाइड्रोजन वैसा ही था, ये वाला हाइड्रोजन वैसा ही था, बेटा ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसा ही था, ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसा ही था। एक एक हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, ये देखना, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है अब इससे भी शेयर हो चुका है, ये जो इसके पास नीचे वाला बॉन्ड था ये लेफ्ट वाले से शेयर हो चुका है, इसलिए मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है ना? ओके, आगे आइए समझते हैं, आगे आइए समझते हैं। तो इसका भी मोमेंटरीली ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और इसका भी मोमेंटरीली ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब समझना मैं इसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूं। सर मैं एक ऊपर वाला कोई भी बॉन्ड कंसीडर कर रहा हूं, ये जो रेड वाला बॉन्ड है इसको कंसीडर कर लो। कर लिया सर, बहुत आसानी से। इसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं? सर एक हाइड्रोजन दिख रहा है और दो बोरोन दिख रहे हैं, दैट मींस टोटल आई कैन सी थ्री एटम्स। और थ्री एटम्स को मैं एटम्स को क्या बोलता हूं? सेंटर। अभी भी देखा दो क्लोरीन से तो दो सेंटर बोला था, यहां पर तीन एटम है तो तीन सेंटर हो जाएगा। अच्छा, और इन तीन सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं? सर दो ही इलेक्ट्रॉन है, कभी लेफ्ट में है कभी राइट में है, कभी लेफ्ट में है कभी राइट में है, एंड दिस इज हाउ इट इज फ्लक्चुएटिंग बेटा। तो थ्री सेंटर के बीच में दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको मैं बोलता हूं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने से हुआ क्या? मोमेंटारिली कुछ देर के लिए, क्षण भर के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। आगे आते हैं, समझते हैं। सर अब मैंने आपको बताया था ओवरब्रिज और अंडरपास की कहानी, वही मैं आपको समझाने वाला हूं। ये जो दो BH3 मॉलिक्यूल पास में आए हैं ना, वो कैसे बने हैं देखना। ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, थोड़ा सा मैं इसको ना हाइलाइटर इस्तेमाल कर लो आपके लिए। यस, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ओवरब्रिज की तरह काम कर रहा है? जैसे कोई नदी वदी होती है तो ऊपर से यूं ओवरब्रिज बना दिया जाता है, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज आपको सब लोग देखे होंगे। तो क्या होता है बेटा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, एक बोरोन से दूसरे कार्बन तक मैंने एक बॉन्ड बना दिया, तो इट इज अ ओवरब्रिज काइंड ऑफ अ बॉन्ड। सिमिलरली अगर आप बेटा अभी तक जंगल में रहते हैं तो आपने अंडरपास का नाम नहीं सुना होगा, अगर आप शहर की तरफ मूव कर चुके हैं तो बेटा ये जो शहरी लोग हैं उनको अंडरपास भी पता है। आजकल पता है बेटा टनल भी बन जाता है, टनल भी, ओ माय गॉड, टनल रास्ता हो सकता है क्या, आपको ये पता है? अरे देखे हो गया रास्ता, मतलब एक पक्की सड़क देखे हो कि नहीं? आप लोग देखे ही हो गए, देखे हो क्या? ये सब लोग आदिवासी जमाने में जी रहे हो अभी तक। बेटा मजाक कर रहा था, इधर आइए नीचे। तो ये अंडरपास की कहानी है जो टनल की तरह काम कर रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा था आपको पता नहीं चला होगा, अब पता चल जाएगा। ओवरब्रिज हमेशा आउट ऑफ द प्लेन जाता है बेटा, और अंडरपास हमेशा आउट ऑफ द प्लेन जाता है बेटा। क्या मतलब आया सर? ओवरब्रिज हमेशा ऊपर ऊपर से निकल जाएगा और अंडरपास हमेशा नीचे नीचे से निकल जाएगा। अगर मैं एक रोड को प्लेन मान रहा हूं तो रोड के ऊपर से ओवरब्रिज जाता है, रोड के नीचे से अंडरपास जाता है। कहने का मतलब ये जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है इसको मैं बोलता हूं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन क्या है? ओवर ब्रिज है, अबव द प्लेन है। और नीचे वाला हाइड्रोजन क्या है? अंडर पास है, बिलो द प्लेन है। और ये पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा, और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन की कहानी समझ आई? यस। ये अबव द प्लेन ऊपर से होके जो जाते हैं ना, तो क्या इसका लेंथ बढ़ गया बेटा? एक तो डायरेक्ट जा सकते थे,
और एक मैं ऊपर से जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल की तरह, तो क्या इसका लेंथ बढ़ गया? प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हो ना ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना, ये पूरा लेंथ ट्रेजेक्ट्री का क्या होता है? यस, तो वो ट्रेजेक्ट्री वाला सब, क्या वो लेंथ ज्यादा होता है? एक तो होता है बेटा रेंज और एक तो होता है बेटा ट्रेजेक्ट्री। समझ आ रही बात को? अब आप कहोगे फिजिक्स पढ़ने लगे, थोड़ा सा घुसा दिया इसमें, कुछ नहीं है बेटा। ऊपर से जाएगा तो लेंथ कम हो जाएगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगा, नीचे से भी जाएगा तो लेंथ ज्यादा। सीधा जाना ज्यादा आसान है बेटा, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ये क्या होते हैं? इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होता है इसका, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होता है। और इसका जो नीचे वाला बिलो द प्लेन है ये बेटा शॉर्टर, मतलब अगेन दोनों ऊपर से नीचे से ये दोनों लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है। अरे क्लियर है क्या? यस। आजकल तो विलेज ज्यादा कंपेयर है। अरे 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 अरे, मैं विलेज की बुराई नहीं करता, आई बिलोंग टू विलेज, तो ऐसा मत समझिए, ठीक है ना बेटा। आइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोरोन का BH3 में? तो सर BH3 में तीन बॉन्ड बना था, तीन सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन B2H6 में, आइए बेटा अब B2H6 की बात करो, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? सर दो तो लेफ्ट में दिख रहे हैं, दो राइट में दिख रहे हैं, भले मोमेंटरली है तो सही। तो BH3 में तीन बॉन्ड थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे चार बॉन्ड हो चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। B2H6 में क्या हुआ है बेटा? मोमेंटरली थोड़े देर के लिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? यस। और बोरोन क्या वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, कैसे पता चला? सर ये जो दो एटम इसने एक्सेप्ट किए हैं, ये दिख रहा है, ये एरो इधर आ रहा है, वो कहां आ रहा है? बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसी वैकेंट ऑर्बिटल में तो आता है। तो बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो चुका है, किस वजह से? बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। आगे बढ़ सकते हैं? यस। अब वही चीज है बेटा, ये जो चार टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, बताया? और एक ओवरब्रिज आउट ऑफ द प्लेन, एक अंडरपास आउट ऑफ द प्लेन चला गया। तो ये देखो, ये चारों हाइड्रोजन और ये दो बोरोन, ये सब सेम प्लेन में है। जितने भी मैं एटम्स को सर्कल कर रहा हूं ना बेटा, ये सारे सेम प्लेन में है। बाहर तो कौन निकल गया है? बाहर निकल के बहुत दूर चला गया है, बाहर निकल गया ओवरब्रिज वाला और अंडरपास वाला, और जो बाहर निकल जाते हैं ना वो बहुत दूर निकल जाते हैं, दैट मींस लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना बेटा? टू ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स आर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं सबसे पहला सवाल आंसर किसका आ रहा है। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं बोलते बेटा इसको, एटम्स बोलते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एक प्लेन में लाई करते हैं B2H6 में, ठीक है? तो B2H6 के लिए कुछ नहीं बनाना सर, सबसे पहले ना दो बोरोन बना लो, फिर दो दो हाइड्रोजन दोनों दोनों बोरोन को दे दो, ठीक है सर? एक ऊपर से होता हुआ ओवरब्रिज बना लो, एक नीचे से होता हुआ अंडरपास बना लो, ये B2H6 बन गया। कितने मैक्सिमम एटम्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? तो बेटा प्लेन से बाहर तो दो ही लोग गए हैं, एक अंडरपास बना के एक ओवरब्रिज बना के, तो बाकी सारे सेम प्लेन में ही तो होंगे। तो बेटा B2H6 में छह हाइड्रोजन और दो बोरोन मिला के टोटल आठ एटम्स है बेटा। टोटल कितने एटम्स है? टोटल हमारे पास आठ एटम है, उसमें से एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, दो ब्रिजिंग एटम है। तो उसमें से जो दो हाइड्रोजन है उसने तो ब्रिज बनाया हुआ है, तो आठ में से दो हटा दो तो छह के छह सेम प्लेन में होंगे क्या? सिक्स एटम जो होंगे बेटा वो सेम प्लेन में होंगे क्या? एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो बेटा आंसर तो आपका सही निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन इज शॉर्टर देन ब्रिज हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन इनको बोल रहे हैं, जो सेम प्लेन वाले हाइड्रोजन है ना, इसको मैं HT लिख रहा हूं क्योंकि ये है टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन क्या छोटे हैं और ब्रिज हाइड्रोजन क्या बड़े हैं? यस, मैंने बोला ब्रिज हाइड्रोजन ओवर ब्रिज बना रहा है, दैट मींस ये बड़ा हो गया। अंडरपास बना रहा है, दैट मींस ये टनल बना रहा है, दैट मींस ये बड़ा हो गया। तो बाकी के छोटे होंगे, तो टर्मिनल वाले छोटे होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन इज शॉर्टर। बिल्कुल सही बात है, एकदम क्लियर है क्या? टर्मिनल हाइड्रोजन कहने का मतलब है छोटा है, ब्रिज बड़ा हो गया। आइए अब दिखाते हैं कि BeH2 जो है बेटा, BeH2 ये आपका पॉलीमर भी बनाता है और डाइमर भी बनाता है। बट अभी अभी आपने देखा BH3 ये केवल और केवल डाइमर बनाता है और पॉलीमर नहीं बनाता है, ओनली डाइमर फॉर्मेशन बनाता है। लेकिन BeH2 की अगर बात करो तो ये तो बेटा डाइमर भी बना रहा है और पॉलीमर भी बना रहा है। अब ये लुका छुपी थोड़ी खेलेंगे कि कौन पॉलीमर बनाएगा, कौन डाइमर बनाएगा, कौन नहीं, कौन नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुका छुपी, ओके, लुका छुपी इज अ मूवी, राइट? कौन था उसमें? कृति सेनन, राइट? मेरे को एक्ट्रेस ही याद रहती है, एक्टर नहीं याद रहता मेरे को, क्या होगा एक्टर याद करके बेटा, है ना? इधर आइए,
एस्प्राइट की तरह क्लियर. प्लीज मेक वीडियो ऑन मेडिकल. प्लीज मेक वीडियो ऑन मेडिकल. व्हाट यू मीन बाय दैट? प्लीज मेक वीडियो ऑन मेडिकल. अब ये उस टाइप का कमेंट नहीं लग रहा, विनोद टाइप का है ना. प्लीज मेक वीडियो ऑन मेडिकल. इट्स लाइक विनोद. इट्स साउंडिंग लाइक विनोद. फेवरेट एक्ट्रेस. मेरी फेवरेट एक्ट्रेस बेटा श्रद्धा कपूर रही है हमेशा से, और अभी भी है और रहेंगी भी. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, कुछ लोगों से बेटा कनेक्शन बन जाता है ना. यस, कार्तिक आर्यन था ना. लाइक छोड़ो, क्या मतलब है अपने को. ये देखो लड़कियां जो है ना कार्तिक आर्यन के सामने हार्ट बना के भेज रही. ओहो. मोहित शर्मा कह रहे कि सर मैं एलएन का स्टूडेंट हूं. वेलकम बेटा, वेलकम टू अनअकैडमी नीट टॉपर्स. वहां से अच्छा कंटेंट होगा ये मैं वादा करता हूं. आइए फिर तो यूट्यूब का कोई लड़कों का नाम याद बेटा. इट्स डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स और इट्स डिफरेंट बिटवीन स्टूडेंट एंड इट्स डिफरेंट बिटवीन. एक होता है बेटा, आपने सुना ही होगा बेटा, हर लड़की का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है जिंदगी में. आपको भी परेशानी मिलेगी इससे, हर लड़की के बेस्ट फ्रेंड से आपको परेशानी होगी. ये बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट मुझे तो देखो बेटा आज तक समझ नहीं आया. छोड़ो, आगे बढ़ते हैं बेटा. मैं इस डिस्कशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाऊंगा. दर्द है ना बेटा इधर, तो वो कभी कभी निकल आता है. आगे इधर बढ़ते हैं बेटा BeH2 के बारे में और BH3 के बारे में. ठीक है बेटा, बेरिलियम तो कभी डाइमर बना रहा है और बेरिलियम तो कभी पॉलीमर बना रहा है, बट यहां बोरोन की बात करो तो डाइमर ही बना रहा है. ये तो पॉलीमर बना ही नहीं रहा. आइए समझते हैं कैसे आप चेक करोगे. तो बेरिलियम का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1:2:2, जिसका भी पता करना है ना कि वो डाइमर बनाएगा कि पॉलीमर बनाएगा, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो. जैसे बोरोन का मैंने लिख दिया, बेरिलियम का लिख दिया, बोरोन का मैं यहां लिख देता हूं 1:2:2:2:2p1. ठीक है ना. तो बोरोन का जैसे ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे तो 2s2 2p1 इस तरह से होगा. लेकिन हमें एक्साइटेड स्टेट में बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके मैं p में लेके चला गया. क्लियर हुआ क्या? हां जी. तो ये देखो s का एक इलेक्ट्रॉन, देखो बेरिलियम का भी मैंने एक्साइट कर लिया और बोरोन का भी मैंने एक्साइटेड स्टेट निकाल लिया. बेरिलियम बेटा जब एक्साइटेड स्टेट में गया है तो इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल है. क्लियर आ रहा है क्या बात? यस. और बोरोन जब एक्साइटेड स्टेट में गया है तो उसके पास केवल एक ही वैकेंट ऑर्बिटल है. अब अगर बेटा इसमें दो वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो ये डाइमर भी बनाएगा, पॉलीमर भी बनाएगा. अगर एक ही एटम है तो बेटा डाइमर बना के चुपचाप रह जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है ना. एक ऑर्बिटल जो है वो अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करके डाइमर बना के चुप हो जाएगा. बट अगर इसके पास दो कमरे हैं तो बेटा इस बार डाइमर भी आएगा कमरे में, इस बार पॉलीमर भी आएगा कमरे में. अब कमरों के नंबर बढ़ गए. आगे बढ़ते हैं बेटा, डाइमर ऑफ BeH2 की बात करते हैं. सबसे पहले डाइमर ऑफ BeH2 उस स्ट्रक्चर पे ना जाए, मेरी तरफ देखें, मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता हूं, मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा समझा सकता हूं. आइए ऊपर BeH2 की मैं बात करता हूं तो बेरिलियम से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं. बेरिलियम से बेटा दो हाइड्रोजन जुड़े हैं. ठीक है ना, बेरिलियम से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं. मैं आपको बताता हूं. आइए, तो ये रहा सर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन मैंने नीचे की तरफ कर दिया. देखिएगा क्या बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है. हां जी सर. तो बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और बेरिलियम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है ना, क्योंकि इसके पास तो चार ही इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बनाए हैं, चार ही इलेक्ट्रॉन है. हां जी सर. कोई लोन पेयर तो इस पे है नहीं. हां जी. तो चार इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, ये जो दो लोन पेयर है ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा क्या? बिल्कुल. क्या ये जो दो लोन पेयर है क्या ये इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा क्या? लेकिन कुछ इससे फायदा हुआ नहीं, क्योंकि पहले चार इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन आने से छह इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं. पहले चार इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन आने से बेटा छह इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं. तो पहले भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, अब भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर कंडीशन में. पहले ज्यादा कमी थी, चार इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब दो इलेक्ट्रॉन की कमी है. बेटा यहां पे BeH2 में डाइमर बनाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अब भी तीन ही बॉन्ड बना है, छह छह इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं. क्या समझ आया क्या बात? Yes. That means, डाइमर बनाने के बाद भी बेटा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन पहले से बेहतर कंडीशन में है. चार इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब दो ही इलेक्ट्रॉन की कमी है. Therefore, to complete its octet, ये फिर से पॉलीमर बनाता है. पॉलीमर कैसे बनाना है देखना, रटना नहीं होता. आइए देखना, BeH2 मैं ऐसे बना रहा हूं, दो हाइड्रोजन मैंने ऐसे बना दिया, दूसरा BeH2 मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तीसरा जो BeH2 है मैंने ऐसे बना दिया, बेरिलियम हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन. अब ये क्या होगा देखना, बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन गए, दैट मींस छह इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं.
ठीक है ना। अब देखो ये क्या है बेटा, आगे की तरफ डोनेट होते चला जाएगा। सिमिलरली जो पीछे वाला है वो भी इसको आगे से डोनेट करेगा, ये जो पीछे वाला है वो भी इसको आगे से डोनेट। कहने का मतलब है एक बेरिलियम को दो तरफ से डोनेशन हो रहा, ऊपर और नीचे। तो बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, एक दो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए और दो इलेक्ट्रॉन नीचे से आए, चार और इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस। तो बेरिलियम का बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बेरिलियम के पास आठ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। डाइमर में तो वो चीज नहीं हुई थी बट पॉलीमर में हो गई है। बात समझ में आ गई है? तो बेटा ये ना तहस नहस हो जाना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, इट्स अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ये प्लेन में नहीं रहा ना। सर एसपी जो है लीनियर होता है वो प्लेनर होता है, एसपी टू ट्राइगोनल प्लेनर, नाम ही कह रहा है प्लेनर। सर एसपी थ्री के बाद ना प्लेनर नहीं होते, एसपी थ्री के बाद सारे नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। ये लीनियर है तो एक ही लाइन में है, तो ऑब्वियसली है कि सर ये प्लेनर होगा। सर जो एसपी टू है, अच्छा आई एम ओनली टॉक अगर लोन पेयर ना आए तो, लोन पेयर ना आए तो ठीक है ना। चलिए तो ये होता है सर ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो नाम में ही प्लेनर है, लेकिन इसके बाद से बेटा ये नॉन मतलब नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो sp3 है नॉन प्लेनर हो गया, चार बॉन्ड बन गए ना, sp3 आ गया। और इसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल रहे, क्यों? किसी भी बॉन्ड को सर्कल कर लो, मैंने इस बॉन्ड को सर्कल कर लिया। अगर मैंने इस बॉन्ड को सर्कल कर लिया दोस्तों, तो इसमें कितने एटम है, कितने सेंटर है? तो तीन एटम मुझे दिख रहे हैं, तीन एटम मुझे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तीनों को मैंने रेड से घेर दिया, तो तीन एटम, एटम को मैं सेंटर बोलता हूं, तो थ्री एटम। इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? तो यही तो दो इलेक्ट्रॉन ही तो इन्वॉल्व है बेटा, तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर इन्वॉल्व। कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस बेटा। तो ये देख लीजिए, अब आता हूं मैं थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी तक जो सराउंडिंग एटम थे ना वो हाइड्रोजन हो रहा था। देख जैसे BH3 की बात की, इसमें भी सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन था। जैसे मैं BH2 की बात कर रहा हूं, इसमें भी सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। अगर बेटा आपके पास सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर आ जाए तो फिर वो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कैसे, आइए समझाता हूं। जैसे मेरे पास है BeCl2, ठीक है ना, मेरे पास है BeCl2, तो मैंने ऐसे कर दिया BeCl2, ठीक, और मैंने दूसरा BeCl2 बना लिया, ये Be और इधर बना लिया Cl और इधर बना लिया Cl। अब क्या होगा, क्लोरीन के पास सर लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर है तो वो डोनेट हो जाएगा। सर पहले हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं था तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काम आ रहे थे, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर काम आ जाएगा। बेटा अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर रहे तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर काम आएगा। अगर बेटा लोन पेयर नहीं रहे तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे, अब देखना ये थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, सब दो इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के आ गए और दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ऑलरेडी थे, तो थ्री सेंटर के बीच में फोर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। बेटा अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर आए तो फिर बेटा आप सिंपली बोल सकते हो इट इज थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। पॉलीमर भी आप सिंपली हाइड्रोजन हटाइए, पॉलीमर बनाइए, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है? थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन जब जब हाइड्रोजन उसके पास लोन पेयर आएगा। अब ये जो डाइमर है ना बेटा ICl3, ये आपको बनाने हैं। ICl3 का डाइमर मैं इसमें बना रहा हूं ऑलरेडी, लेकिन ICl3 का डाइमर आपको बनाना है, ठीक है? यस। अब बॉन्ड एंगल वगैरह अपन कल पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, ये सब अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। इलेवेंथ के जो टॉपिक्स है बेटा, इसमें गर्दा तरीके से हो रहे हैं, और मुझे आप इस सेशन के नीचे कमेंट करके बताओगे कि इज इट हेल्पफुल, शैल वी कंटिन्यू दिस, कितना आपको हेल्प हो रहा है, कैसा लग रहा है, हाउ इज द लेक्चर, ठीक है, ये आप बताओगे, सो दैट हम उसी तरह से प्लान कर पाए, ठीक है ना बेटा। 11th के जो टॉपिक्स हैं हम यहां डिस्कस करते हैं, जो बेटा 12th क्लास के टॉपिक्स हैं हम यहां डिस्कस करते हैं। ये जो संकल्प बैच है बेटा वो 2 बजे से स्टार्ट होती है दिन में, और जो एवरेज टू टॉपर बैच है वो 8 बजे से स्टार्ट होती है, मतलब क्लास 12th का जो बैच है वो 8 बजे स्टार्ट होता है और क्लास 11th का जो बैच है बेटा वो 2 बजे दिन में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल जुड़े हुए नहीं हो बेटा तो 22,000 लोग आपसे आगे निकल चुके हैं, तो इसको जरूर जुड़ जाइए इसमें, और टेलीग्राम चैनल में आपके जैसे लोग हैं। और बेटा मैं फिर से आपको अनाउंस कर दूं, इफ यू वांट लाइव क्लास, इफ यू वांट इंटरेक्शन विद मी, इफ यू वांट टू आस्क डाउट्स विद मी, इफ यू वांट टू गेट गाइडेंस विद मी, इफ यू वांट लीडर बोर्ड एंड लाइव पोल्स, इफ यू वांट टेस्ट सीरीज, इफ यू वांट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी, इफ यू वांट अ करेक्ट मेंटर, इफ यू वांट अ पर्सनल मेंटर, इफ यू वांट अ पर्सनल गाइड, then beta Unacademy subscription is for you. Unacademy subscription offers all these benefits जो आपके नीट के लिए required है बेटा। फिर से अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं, जो 1 दिसंबर वाली बैच थी उसका ओरिएंटेशन मैं कर रहा हूं संडे से बेटा। संडे को हम ओरिएंटेशन करेंगे और एक्चुअली हम सीखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, और फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे
और एक वीक में सरफेस केमिस्ट्री को धुआं धुआं करते हैं। बेटा इसमें हम डीपीपीज डिस्कस करने वाले हैं डेली बेसिस पे, इसमें बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे। मजदूरी नहीं करने आए अपन, नीट निकालने आए अपन, डॉक्टर लोग हैं अपन, मजदूर नहीं है, सिंपल बता रहे हैं। मजदूरी करनी है तो बेटा बीएएमएस की तरफ चल जाइए या फिर उधर चल जाइए। फिर से आई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की तरफ मैं जा रहा हूं, उस उधर जाना नहीं चाहता। मजदूरी नहीं करनी अपनी, तो स्मार्ट ले, स्मार्ट हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट रैंक लेके आना, ठीक है ना। तो उसी तरह प्रीवियस ईयर जिधर से क्वेश्चन आता है उधर जाओ ना, क्यों आप नॉर्मल चीजों में जा रहे हो, नहीं ना, टाइम नहीं है इतना। उसके बाद उसी तरह से अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो स्मार्ट हार्डवर्क के साथ हम स्टडी करते हैं यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से। इफ यू वांट टू गेट गाइडेंस, डाउनलोड इट एज सून एज पॉसिबल। अगर नहीं डाउनलोड किया तो गुनाह कर रहे हो, इट इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, उस फिजिकल केमिस्ट्री के बैच के लिए ना, उस ऐप में लॉग इन करने के बाद प्लस सेक्शन में जाना है, ठीक है ना। ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे ट्रिपल डॉट से, ये आपको ले जाएगा प्लस में। प्लस में जाने के बाद जो भी गोल है आपका सिलेक्ट कर लो बेटा। स्टेप नंबर 5 में कुछ नहीं करना है, ये जो जिंदगी के अनमोल सब्सक्रिप्शन है ना उसको ले लेना है, और जिंदगी के जो अनमोल समय है उसमें अच्छा प्रैक्टिस करना है। और सब्सक्रिप्शन लोगे, बाहुबली कोड लगाओगे, मैंने बोला ना आपका मेंटोरशिप मैं तो करूंगा ही, साथ में आप ही के जैसा स्टूडेंट जो 170 आउट ऑफ 180 लेके आ चुका है पिछले ही साल में, वो आपका मेंटोर वहां पे करेगा, वो भी आपको बताएगा। मैं भी अवेलेबल हूं, मेरे पास अगर कम समय होता तो बेटा वो भी रहेगा, ठीक है। दोनों मिलकर रैंक फोड़ने वाले हैं, तो बेटा बाहुबली कोड लगाएंगे, उस मेंटोरशिप बैच में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, पर्सनल कोच, और अगर आप पर्सनल मेंटोर देखते हैं, इफ यू वॉन्ट अ पर्सनल गाइड, अगर आपको हर स्टेप पे एक एक, एक मेंटोर की जरूरत है तो बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए एप्ट है, ठीक है। 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बेटा ये वाला कोड लगाएंगे, बाहुबली कोड, अगेन यू विल बी एडेड टू दैट काइंड ऑफ अ मेंटोरशिप, एक स्पेशल मेंटोरशिप। आगे बढ़ते हैं बेटा, नीट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए बेटा आप अपने पर्सनल कोच से पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और सब्सक्राइब और दोस्ती तो हो ही जानी चाहिए बेटा, दोस्ती तो हो ही जानी चाहिए, दोस्ती किसने किसने अभी तक नहीं की है। और बेटा ये जो डेंजर रेड दिख रहा है ना सब्सक्राइब, डेंजर नहीं दिखना चाहिए, इसको बेटा हटा दीजिए, इसको ब्राउन कर दीजिए, क्लिक करोगे ना तो रेड सिंबल हट जाता है। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं हुआ, बेल आइकन दबाओगे तभी तो इंडिया के डेडलीस्ट टीम के क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जाएंगे, इंडिया के बेस्ट नीट टीम के बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ये जरूरी ही है, ठीक है ना, अदरवाइज यू आर मिसिंग समथिंग। हैप्पी नेवी डे, थैंक यू सो मच गणपति बब्बा एमबीबीएस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहां सब फ्री वाला है, आप इतना क्यों परेशान होते हो बेटा, फ्री वाले नहीं बेटा, काफी लोग हैं, आप यहाँ लेक्चर्स देख के बेटा काफी लोग आते हैं उधर, और उनको बेनिफिट भी होता है, अच्छी बात तो ये है। आज 5 बजे कौन सा लेक्चर है बेटा, 5 PM आई होप गौरव सर का लेक्चर है, ठीक है, यस 5 PM नहीं ना, 4 to 5 होता है और 6 to 7 होता है, सॉरी 5 बजे यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं। अगर आप प्लस की बात करें तो आज 5 बजे कोई लेक्चर नहीं प्लस पे बेटा मेरी। इज अनअकैडमी यूजफुल फॉर CDS? यस बेटा, अनअकैडमी इज यूजफुल फॉर एवरी टेस्ट प्रिपरेशन यू आर लुकिंग फॉर। आप तो बड़े मल्टी टैलेंटेड हो, थैंक यू सो मच। ओके पार्थ, वी विल डू दैट आल्सो। बोर्ड पे आओ ना बेटा, बोर्ड मेरे पास आ ही नहीं रहा तो मैं बोर्ड पे कैसे आ जाऊं। आऊंगा बेटा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, थोड़े ही दिन की बात है बेटा। आपको राजस्थानी आती है क्या? कुछ थोड़ी बहुत बेटा, तो जैसे मेरे को राजस्थानी इतनी बहुत आती है, राजस्थानी नहीं, दैट इज कॉल्ड हाड़ौती, तो राजस्थानी इतनी आती है कि कैसे बोलते हैं उसको, जैसे मान लो कि बोल रहे हैं ना कि अब कहाँ चले, लाइक यू नो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे तो मैं उनके साथ होता हूँ, तो जैसे मैं पूछा हूँ कहाँ चले तो वो ऐसे बोलते हैं अब आर खटी चला, अब आर दैट मीन्स अब, खटी मतलब कहाँ, और चले चाला मतलब चले, अब आर खटी चला, दैट्स समथिंग आई कॉल्ड एज हाड़ौती। सर प्लीज बताओ ना, अरे बेटा पूछो ना कुछ भी, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, थैंक यू। आपका शो कर रहा है 5 बजे का, अगर 5 बजे का शो कर रहा होगा तो आ जाऊंगा, आ जाना बेटा, अगर शो कर रहा है तो आ जाना, ठीक है ना। अक्स सिंगल, थैंक यू। डाइपोल मोमेंट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल, ये 3 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और मुझे पता है जैसे यूट्यूब पे बड़ा चैप्टर लो तो आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, बट हमारा काम है पढ़ाना बेटा, आपका काम है पढ़ना, आप सब लोग अच्छे लोग, आप सब लोग पढ़ते हो, मजा आता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डैश डैश कोचिंग और आपके कंटेंट में क्या फर्क है, बताओ सर। बेटा यही कंटेंट हम वहां पढ़ाते हैं और यही कंटेंट हम यहाँ पढ़ाते हैं, देयर इज नो एनी डिफरेंस,
ठीक है ना? यस। और YouTube और प्लस में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का डिफरेंस होता है, दैट्स इट। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहां से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय सर, भूख लग रहा है मुझे, भी भूख लग रहा है। थैंक यू सो मच।